हेलो स्टूडेंट्स, पहले तो सॉरी कल के लिए। कल का जो वीडियो था उसकी वॉइस क्लैरिटी नहीं मिल पाई, ठीक है, उसके लिए सॉरी। तो हम आज क्या करेंगे, हम आज कल के टॉपिक एक बार रिवाइज करते हुए हम आज आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने कल क्या देखा था, हमने कल देखा कि हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, उसमें हमने क्या देखा, हमने देखा कि हम बिजनेस क्या कहता है उसको जानने से पहले, बिजनेस के बारे में जानने से पहले हमने देखा कि जितना भी काम हम करते हैं उसको हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरा हो गया नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब ये क्या है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, कि जो काम हम अपने लाइफ को चलाने के लिए, है ना, अपने लाइवलीहुड को चलाने के लिए या पैसा कमाने के लिए जो भी काम करते हैं, दैट इज नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। वेर एज नॉन इकोनॉमिक मतलब क्या होता है कि जो एक्टिविटी, जो काम हम अपने मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं, जो भी काम हम अपने मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं उसे कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे आपके घर में आपकी मम्मी खाना बनाती है, आप मंदिर में जाके दान करते हैं, है ना, इन सब से क्या होता है, आपको पैसा तो नहीं मिलता है लेकिन एक अलग सेटिस्फेक्शन मिलता है। उसके बाद हमने देखा कि हम इकोनॉमिक एक्टिविटी को तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन। अब आज हम बात करेंगे बिजनेस के बारे में कि बिजनेस क्या होता है, बिजनेस का फीचर्स क्या क्या होता है, ठीक है। कल हमने थोड़ा बहुत आपको बताया था, तो आज हम उसके बारे में डिटेल्स में चले जाते हैं। तो व्हाट इज बिजनेस, ठीक है, तो बिजनेस का डेफिनेशन देखते हैं पहले हम, कि बिजनेस इज व्हाट, बिजनेस इज एन एक्टिविटी व्हिच डील्स विद प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन रेगुलर बेसिस विद अ मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। मतलब क्या, दैट मींस व्हाट, कि बिजनेस क्या है, एक ऐसा काम है जहां पे आपको क्या करना है, आप क्या करते हैं, आप किसी सामान का प्रोडक्शन करते हैं या फिर आप किसी सामान का प्रोक्योरमेंट करते हैं। ना, प्रोक्योरमेंट मतलब क्या होता है कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स, है ना, या सर्विसेज। आप कोई सामान को खरीदते हैं, खरीद के बेचते हैं, ठीक है, या फिर आप सामान बनाकर बेचते हैं। और क्यों करते हैं, और ये कैसा होता है, ये रेगुलर बेसिस पे होता है। आप सामान को खरीद कर बेचते हैं वो भी रेगुलर बेसिस पे। और ये क्यों करते हैं हम लोग काम, या सामान कर बना कर बेचते हैं, क्यों करते हैं हम लोग काम, क्योंकि हमारा एक मेन मोटिव होता है टू अर्न प्रॉफिट, ठीक है। तो ऐसा कोई भी काम आप माइंड में इमेजिन कीजिए कि जितने भी बिजनेस हैं उसमें क्या होता है, या तो कोई बना कर बेच रहा है ना, और रेगुलर बेच रहा है, रेगुलर बना रहा है, रेगुलर बना के बेच रहा है, या उस सामान को बेच रहा है तो रेगुलर खरीद कर लाता है और फिर बेचता है, वो रेगुलर होता है। और साथ ही साथ क्या, क्यों करता है वो लोग ये काम, क्योंकि उनको प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। तो आप इमेजिन कर लीजिए अपने माइंड में कि जितना भी बिजनेस आपके आसपास में है वो क्या है, वो सब कोई तो सारा सामान बना रहा होगा तो उसके बाद बेच रहा होगा, या तो फिर कोई सामान क्या कर रहा है, खरीद कर लाकर बेच रहा है। जैसे आपके घर के बगल में जो किराना का दुकान है ना, वो क्या करता है, या कोई भी शॉप आप देख रहे हो, कपड़े का शॉप है या जूते का शॉप है या दवाई का शॉप है, आप जो भी शॉप देखते हो या बड़े बड़े मॉल्स देखते हो, वो क्या करते हैं, वो सामान कहीं से लाता है, लाकर बेचते हैं, ठीक है। अब थर्ड सेकंड वाला बात वाला उसको बनाकर बेचता है। अब जैसे ब्रेड फैक्ट्री के देख लो, ब्रेड फैक्ट्री में क्या होता है कि वो क्या करते हैं, वो सामान बनाते हैं, है ना, और बनाकर क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो ये हो गया बिजनेस। अब हम इसकी फीचर्स को देखें, ठीक है, कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ बिजनेस। अब एक बात मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि देखिए, फीचर्स बोलिए आप या आप कैरेक्टरिस्टिक्स बोलिए या आप नेचर बोलिए, ये तीनों का तीनों पॉइंट जो है वो सेम है, ठीक है, तीनों का तीनों टर्म जो है वो सेम है। अब मैं कभी फीचर्स बोल रहा हूँ या कभी मैं नेचर बोलूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होता है, ठीक है, वो तीनों वर्ड जो है वो सेम है। और ये बात मैं आपको ध्यान में रखने के लिए बोलूंगा, क्यों बोल रहा हूँ ये बात ध्यान में रखने के लिए, क्योंकि आने वाले 2 साल में, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में, ये टॉपिक, ये टर्म जो है, ये वर्ड जो है, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और क्या बोलते हैं नेचर, ये वर्ड आपको कम से कम 100 बार मिलेगा, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट ईयर से लेकर सेकेंड ईयर में तकरीबन 100 टॉपिक है, ठीक है, और ये टॉपिक का, जो हर टॉपिक का आपको फीचर्स मिलेगा, ठीक है। तो आपको ये बात जहन में रखना है, आपको ये बात माइंड में रखना है और क्लियर रखना है कि जब कभी क्वेश्चन ऐसा आए कि राइट द फीचर्स ऑफ बिजनेस या राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, या कोई भी चीज का फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स, तो दोनों का मीनिंग सेम होगा, क्लियर। तो हम चलते हैं, व्हाट आर द फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर ऑफ बिजनेस। तो पहला फीचर क्या है कि बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस क्या होता है, बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है।
why business is considered as economic activity. Just think. So we may think that, we may focus on that, what is economic activity? So economic activities are those activities which are done for like earning livelihood. And let's say the business. Business is also an economic activity. Why? Because business is done with the purpose of earning profit. And why we earn profit? To live our livelihood. ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि बिजनेस क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी. इसके अलावा भी बहुत सारा पॉइंट्स है, जैसे क्या कि बिजनेस डील्स विद रेगुलर बेसिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या आप इसको ऐसा बोल सकते हैं कि बिजनेस क्रिएट्स यूटिलिटी, बिजनेस सेटिस्फाई ह्यूमन वांट. ठीक है, अब इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या होता है कि वो सारे एक्टिविटीज को ही हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं जो किसी चीज का यूटिलिटी क्रिएट करे. यूटिलिटी मतलब उसका यूज क्रिएट करे. अब एग्जाम्पल यूटिलिटी के बारे में बता रहा हूँ मैं, कि जैसे मोबाइल फोन हो गया, है ना. मोबाइल फोन आपके काम में आता है. हाँ, आपके काम में कब आया? जब आपके पास है. और वो आपके पास कैसे आया? आप दुकान से खरीद कर लेकर आए, किसी कंपनी ने बनाया है ना, उसको बनाकर दुकान में बेचा, दुकान वाले ने खरीदा उसको और वो दुकान वाला आपको बेच रहा है. तो अब आप जब उसको यूज कर रहे हैं तो उसकी यूटिलिटी है ना. तो यही होता है यूटिलिटी. इसके बारे में डिटेल्स में आपको इकोनॉमिक्स में मिलेगा कि आपके यूटिलिटी होता क्या है. इसमें आपको एक ओवरव्यू देगा. तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है कि एक इकोनॉमिक्स टर्म्स में बोल रहा हूँ मैं, कि ऐसा एक्टिविटी जहाँ पे हम यूटिलिटी क्रिएट करते हैं, ऐसा एक्टिविटी जहाँ पे हम लोगों का नीड, लोगों का वांट सेटिस्फाई करते हैं, उसे कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी. तो बिजनेस भी तो वही करता है. बिजनेस भी क्या कर रहा है कि हमारे नीड्स को, हमारे वांट्स को सेटिस्फाई कर रहा है. कैसे सेटिस्फाई कर रहा है? तो एक टर्म है, जैसे क्या कि आपके घर के बगल में एक दुकान है, शॉप है, और आपको भूख लगी हुई है, आपको मैगी खाने का मन कर रहा है. तो उसने क्या किया, आप दुकान में गए, 10 रुपये दिए, मैगी लेकर आ गए. तो उसने क्या किया, आपकी नीड को सेटिस्फाई किया. आपकी नीड थी मैगी और उस दुकान में वो मैगी है ना. तो उसने क्या किया, आपकी नीड को सेटिस्फाई किया. आप वहां गए, 10 रुपये दिए, मैगी खरीद कर ले आए, आपका नीड, आपका वांट सेटिस्फाई हो गया. आपको एक नया शर्ट चाहिए, आपको एक नया कपड़ा चाहिए, आप कपड़े की दुकान में जाते हो, उस दुकानदार ने क्या करके रखा है, आपके नीड को सेटिस्फाई करने के लिए उसने कपड़ा लाकर. क्लियर. अब नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं. तो ये बात तो क्लियर हो गया कि सिंस बिजनेस, बिजनेस भी क्या करता है, यूटिलिटी क्रिएट करता है, और साथ ही साथ क्या करता है, हम लोग का नीड्स को सेटिस्फाई करता है. और इसके अलावा कि बिजनेस क्यों किया जाता है, लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए, है ना, जिंदगी चलाने के लिए. इसीलिए बिजनेस को क्या कहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं. अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि बिजनेस का दूसरा फीचर जो है वो क्या होगा, इट डील्स विद प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ध्यान दीजिएगा कि ये क्या करेगा, ये या तो आप बिजनेस में क्या होगा, बिजनेस में या तो आप सामान बनाते हो, बनाकर बेचोगे, या फिर आप क्या करोगे, सामान को खरीद कर लाकर बेचोगे. इसके अलावा बिजनेस कुछ नहीं होता. ठीक है, और यहाँ पे एक बात है, ये सामान की बात बोल रहा हूँ मैं, गुड्स की बात कर रहा हूँ मैं. इसके अलावा सर्विसेज भी हैं. ठीक है, ये सर्विसेज क्या होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर बैंक, बैंक आपसे चार्ज लेती है, एटीएम का साल में एक बार आपसे चार्ज लेती है. आपका कॉलेज आपसे फीस लेता है, आप स्कूल जिसमें आप पढ़ते थे, है ना, वो आपसे फीस लेता था. क्यों लेता था वो, क्या फीस के अगेंस्ट में वो क्या दिया आपको, कुछ सामान दिया, बुक्स तो नहीं दिया, बुक्स तो आपने दुकान से खरीदा. तो यही चीज क्या किया उसने, उसने आपको सर्विस दी. आप डॉक्टर के पास जाते हो, फीस पे करते हो, डॉक्टर क्या लेता है आपको, कंसल्टेंट का सर्विस देता है ना. तो बिजनेस सेम बात है कि आप किसी तरह का बिजनेस करो तो उसमें आपका सामान आप बनाकर बेच रहे हो या फिर आप सर्विस बेच रहे हो. अब सर्विस बेचने का बेस्ट एग्जांपल मैं दूं आपको, आपका मोबाइल फोन का सिम, चाहे वो जियो का हो, चाहे वो एयरटेल का हो, है ना, जो सिम आप यूज कर रहे हैं वो कैसे, वो आप इसको रिचार्ज कराते हो, रिचार्ज के बदले आपको क्या देता है, आप पैसा दे रहे हो उसको, उसके बदले में वो क्या देता है, टॉक टाइम, है ना, नेट देता है, है ना, जिसके थ्रू आप वीडियोज देख लेते हो या जिसके थ्रू आप ये वीडियो देख रहे हो, है ना. तो ये बात देखना है आपको कि बिजनेस क्या होगा, बिजनेस का एक फीचर और होगा क्या, कि बिजनेस या तो गुड्स एंड सर्विसेज को बनाकर बेचेगा या फिर बिजनेस में सामान को खरीद कर लाकर आप बेचोगे. क्लियर. थर्ड पॉइंट है कि द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर डन इन रेगुलर बेसिस. ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिजनेस सिर्फ उसी चीज को कहेंगे हम जहां पे हम ये जो गुड्स का एक्सचेंज कर रहे हैं, खरीद के बेचना या बनाकर बेचना, ये रेगुलर होना चाहिए. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ आपको कि आप क्या किए, आपने एक बाइक खरीदी या आपने एक कार खरीदा, 2-3 साल आपने चलाया, चलाने के बाद क्या हुआ, अब आप उसको मतलब बेचना चाहते हैं. ठीक है, और आप उसको बेच दिए, तो क्या आप बिजनेस कर रहे हैं? जी नहीं. ठीक,
आप बिजनेस नहीं कर रहे, आप क्या कर रहे हैं, आपका काम था, आपने यूज किया, अब आपका मन भर गया, आपको नया खरीदना है, आप उसको बेच दिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप बिजनेस कर रहे। बिजनेस का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो भी काम आप कर रहे हैं, जो चीज आप बेच रहे हैं, वो आप उसको रेगुलर बेस करेंगे, तब जाके वो बिजनेस कर रहा है। ठीक है, तो द एक्टिविटी ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी डन ऑन रेगुलर बेसिस। तो दिस इज द थर्ड फीचर ऑफ बिजनेस। ठीक है, इट शुड बी डन ऑन द रेगुलर बेसिस। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में क्या है कि इट इज द मेन मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। द मेन मोटिव ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। कि बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो सबसे बड़ा बात क्या है कि आप किस उम्मीद से बिजनेस करते हैं, तो मुझे प्रॉफिट चाहिए, सबसे बड़ा बात। तो ये बिजनेस का फीचर है, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको प्रॉफिट होगा। और आप बिजनेस क्यों स्टार्ट किए हैं, बिजनेस स्टार्ट किए हैं और द मेन एम एक ही फोकस कि नहीं, मुझे ये बिजनेस करना है। क्यों करना है, प्रॉफिट अर्न करना। कोई भी इंसान लॉस के लिए बिजनेस स्टार्ट नहीं करता है। ठीक है, तो ये बात तो आपको क्लियर हो गया कि बिजनेस जब मैं कर रहा हूं या बिजनेस जब मैं हम कर रहे हैं तो हमारा मेन उद्देश्य क्या है, मेन टारगेट क्या है कि नहीं मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए, महीने का इतना प्रॉफिट बनना चाहिए, महीने साल का इतना प्रॉफिट बनना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट फोर्थ फीचर हो गया क्या, बिजनेस द मेन मोटिव ऑफ डूइंग बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट क्या है कि बिजनेस डील्स विथ रिस्क। अब सबसे बड़ा बात क्या है कि जहां बिजनेस है, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आपको गिफ्ट में एक सामान मिलता है। इफ यू, और ये सामान क्यों मिलता है, ये गिफ्ट का आइटम क्यों मिलता है आपको, क्योंकि आपने इन्वेस्ट किया। ठीक है, तो सिंस आपने इन्वेस्ट किया है, बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, तो आपने इन्वेस्ट किया और आपको फ्री में एक चीज मिल गया, इसको बोलेंगे रिस्क। अब रिस्क क्या होता है उसके बारे में हम इसी चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन हाल फिलहाल ये जान लीजिए कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया और आपको क्या मिला, फ्री का एक गिफ्ट मिल गया, उसको बोलते हैं रिस्क। रिस्क मतलब क्या, टेंशन, आपके माथे में टेंशन रहेगा कि महीने में क्या होगा, इस महीने का सेल हुआ होगा या नहीं, इस महीने का कोटा पूरा होगा या नहीं, इस महीने में प्रॉफिट आएगा या नहीं आएगा, है ना, कहीं दाम कम गया, मेरा माल लॉस हो गया, वगैरह वगैरह वगैरह, आपके पास माथे में थिंकिंग आएगा। तो ये बात तो आपने क्लियर हो गया कि नहीं, एक और फीचर क्लियर हो गया कि बिजनेस में क्या होगा, बिजनेस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है या बिजनेस का एक सबसे अहम हिस्सा क्या है, कि बिजनेस में आपको रिस्क हमेशा मिलेगा। ठीक है, और एक पॉइंट और है कि इसकी रिटर्न जो है वो अनसर्टेन है, आपको कितना मिलेगा बिजनेस में, लाभ कितना होगा। सबसे एक और अच्छा बात है बिजनेस का, क्या इंपॉर्टेंट फीचर है बिजनेस का, क्या बिजनेस का कोई मायबाप नहीं होता, बिजनेस में प्रॉफिट का कोई गारंटी नहीं है कि आपको हर महीने इतनी की प्रॉफिट होगी ही या इतना आपको मंथली इनकम होगा ही, ऐसा कोई बिजनेस में कहीं लिखा हुआ नहीं है। बिजनेस है उसमें रिस्क है। रिस्क क्यों आया, क्योंकि ये अनसर्टेन है। बिजनेस में रिस्क क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पे अनसर्टेनिटीज भरा हुआ है। एक दिन ऐसा जाएगा आपका बिजनेस में आपका बोनी नहीं होगा, आपके पास एक कस्टमर नहीं आएंगे, और एक दिन ऐसा जाएगा आपका बिजनेस में जहाँ पे आपने लाखों का टर्नओवर कर लिया, है ना। तो ये चीज क्या है बिजनेस में, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि बिजनेस में क्या है, अनसर्टेनिटी भरा पड़ा हुआ। तो हमने पांच छह फीचर आपका डिस्कस किया। पहला फीचर क्या बोला मैंने आपको कि इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सेकंड पॉइंट क्या बोला मैंने आपको, इट डील्स विद अदर प्रोडक्शन और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसके अलावा मैंने क्या बोला आपको, थर्ड पॉइंट कि डील्स विद द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी डन ऑन रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। इसके अलावा मैंने क्या बोला आपको, द मेन मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, मेन मोटिव ऑफ डूइंग बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है, इसके अलावा मैंने क्या बोला, देयर इज रिस्क है ना इन्वॉल्व इन बिजनेस, द एलिमेंट ऑफ रिस्क इज ऑलवेज प्रेजेंट इन बिजनेस, व्हेन एवर यू स्टार्ट अ बिजनेस यू विल बी गेटिंग रिस्क। ओके, नाउ लास्ट पॉइंट हमने क्या बोला कि देयर इज एन एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। ओके, देन देयर इज नो सर्टेनिटी दैट यू विल बी गेटिंग रिटर्न ऑफ व्हाट, ठीक है, व्हाट यू हैव इन्वेस्टेड। नाउ दिस इज ऑल अबाउट बिजनेस। यहां तक हमने पूरा पढ़ लिया बिजनेस क्या होता है, बिजनेस के बारे में, बिजनेस के फीचर्स पढ़ लिया। Kindly go through it and next we will do with business, sorry, next we will come with the profession. What is profession and what are the features of profession? Clear? अब profession का मतलब क्या होता है? तो अगर आप profession का definition देखना चाहेंगे तो क्या मिलेगा आपको कि profession is an occupation, है ना, which involves rendering of personal services of specific nature for earning fees. Again, once again, प्रोफेशन इज एन ऑक्यूपेशन विच इन्वॉल्व रेंडरिंग और गिविंग पर्सनल सर्विसेज ऑफ स्पेसिफिक नेचर फॉर अर्निंग फीस। क्लियर, वहां पे हमने क्या पढ़ाया था, विच अ मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, बिजनेस में, याद है ना। अब यहां देखो लाइन चेंज हो गया, क्या यहां पे लाइन आया कि
फर्स्ट इज व्हाट इट इज एन ऑक्यूपेशन विच इन्वॉल्व्स रेंडरिंग ऑफ पर्सनल सर्विसेज ऑफ स्पेसिफिक नेचर। समझ में आ रहा है बात कि यहाँ पे एक ऐसा काम है जहां पे आपने क्या करना है, आप पर्सनल सर्विस देते हो, ठीक है, और वो भी जैसा तैसा सर्विस नहीं, एक स्पेसिफिक तरह का सर्विस देते हो आप, हर तरह का सर्विस नहीं देते हो, आप एक स्पेसिफिक तरह का पर्सनल सर्विस देते हो। क्यों देते हो? फॉर अर्निंग फीस। आप फीस लेने के लिए, आप फीस कमाने के लिए क्या कर रहे हो, एक स्पेसिफिक सर्विस दे रहे हो, उसे कहते हैं क्या, प्रोफेशन। अब एग्जाम्पल देखते हैं प्रोफेशन क्या होता है, कौन कौन प्रोफेशन है। जैसे डॉक्टर हो गया, अब डॉक्टर क्या है, डॉक्टर क्या करता है, डेफिनेशन से मैच करते हैं ना। अब डॉक्टर क्या करता है, मिल रहा है, इट इन्वॉल्व्स है ना, ऑक्यूपेशन विद इन्वॉल्व्स रेंडरिंग ऑफ पर्सनल सर्विस। अब डॉक्टर क्या करता है, आपको पर्सनल सर्विस दे रहा है, खुद खुद से वो सर्विस देते हैं आपको। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या होता है, डॉक्टर खुद आपको कंसल्ट करता है, आप डॉक्टर से पर्सनली कंसल्ट करते हैं, पर्सनली मिल रहे हैं आप उससे। सही बात है, पर्सनली मिल रहे हैं सबसे। अच्छा, वो दूसरा बात क्या होता है, मैंने स्पेसिफिक नेचर का वो सर्विस देगा आपको। अच्छा, एक डॉक्टर से आप जाके पूछेंगे क्या, सर मेरा घर में ना पानी गिर रहा है, मैं सोच कैसे करूं, नहीं पूछते ना। तो मतलब क्या, वो स्पेसिफिक तरह का सर्विस देगा, है ना। आप डॉक्टर से ये नहीं पूछेंगे, सर मैंने मास्क कम आया है तो मैं अच्छे मास्क लाने के लिए और क्या करूं, है ना। यू डोंट आस्क डॉक्टर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। मतलब क्या, वो डॉक्टर है, वो आपको हेल्थ के बारे में, आपका जो प्रॉब्लम है और जिस चीज का वो डॉक्टर स्पेसिफिक, वो भी डॉक्टर्स में भी क्या बहुत तरह का स्पेशलाइजेशन है ना। आप हड्डी के डॉक्टर के पास जाके नहीं बोलोगे सर मेरा सर दर्द कर रहा है, क्लियर। तो वो आपको स्पेसिफिक सर्विस देगा, है ना। और पर्सनल सर्विस, पर्सनल सर्विस का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, आप उसे पर्सनली मिलते हो और आपको पर्सनली आपसे आपको एडवाइस करता है, क्लियर। तो ये दो बात तो क्लियर हो गया। थर्ड बात क्या, फॉर अर्निंग फीस। वो क्यों सर्विस दे रहा है, समाज सेवा कर क्या ले रहा है, आपसे फीस ले रहा है। डॉक्टर को आप कभी सैलरी देते हो, सुने हो मैंने डॉक्टर को इतना सैलरी दिया है, नहीं आपने सुना है क्या, डॉक्टर को मैंने इतना प्रॉफिट दिया है, नहीं। आप डॉक्टर के लिए वर्ड क्या यूज करते हो, मैंने डॉक्टर को इतना फीस दिया। तो जितने भी प्रोफेशन है उनका क्या होता है, उनका जो इनकम होता है उसको हम क्या कहते हैं, फीस कहते हैं, क्लियर। बिजनेस का जो इनकम होता है उसको क्या कहते हैं, प्रॉफिट कहते हैं। और यहाँ प्रोफेशन का जितना इनकम होता है उनका क्या कहते हैं, हम फीस कहते हैं। जैसे सीए हम लोग के कॉमर्स में, अगर आप कॉमर्स में, आप बहुत लोग यहाँ पर कॉमर्स लिए हैं तो आपका एम होगा कि हम सीए बनेंगे। तो आप सीए बन जाओगे तो आपको बस मतलब सैलरी वगैरह नहीं मिलेगा, आपको फीस मिलेगा अपने काम की। हाँ, अगर आप कोई फॉर्म में ज्वाइन करते हो तो वो अलग बात है। अगर से हम टीचर हो गए, हम कॉलेज में पढ़ा रहे हैं उसके हम जॉब कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, सैलरी मिलता है। लेकिन अगर कोई ट्यूशन में, बाहर में ट्यूशन ले रहा हूँ तो उसके लिए मुझे क्या मिलेगा, फीस मिलेगा। तो जब मैं वो ट्यूशन ले रहा हूँ तो आई एम ए प्रोफेशनल, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या हूँ, जॉब होल्डर, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गया। अब आते हैं फीचर्स ऑफ प्रोफेशन के बारे में। तो पहला फीचर्स क्या है, इट इज एन वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। फर्स्ट फीचर कि आप प्रोफेशन में जब जाओगे, व्हेन आर यू एंटरिंग द प्रोफेशन, तो ऐसा नहीं होगा कि आपने क्या किया कि जो तो कोर्स कर आप प्रोफेशनल बन गए, ऐसा नहीं होता है। आपने जो तो कोर्स करके आप प्रोफेशनल नहीं बन सकते, आप बीकॉम करके या बीएससी करके डॉक्टर नहीं बन सकते। आपको डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस करना पड़ेगा, आपको इंजीनियर बनने के लिए बीटेक करना पड़ेगा, आपको सीए बनने के लिए सीए का कोर्स जो एग्जाम है उसको कोर्स है वो करना पड़ेगा आपको, है ना। तो ये बात आपने देखना है कि नोटिस करना कि जो भी प्रोफेशन है, जैसे लॉयर हो गया, लॉयर के लिए आपको एलएलबी करना पड़ेगा। कोई बीए सिर्फ पढ़ के लॉयर नहीं बन सकता, उसके लिए उसको एलएलबी पढ़ना ही पड़ेगा, लॉ पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये बात यहाँ तक क्लियर हो रही है कि इट इज अ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। जितने भी प्रोफेशन है उन सब का क्या है, जो नॉलेज का बॉडी है वो पूरा डिफाइंड है। आपको ये कोर्सेज करना है, टेंथ के बाद आपने कॉमर्स लेना है, कॉमर्स लेके फिर आपको सीए का एंट्रेंस एग्जाम देना है, इतने साल का सीए का एग्जाम देना है वगैरह, उसके बाद प्रोसेस गोज ऑन, ठीक है। सेम डॉक्टर के लिए क्या, टेंथ के बाद आपको साइंस लेना है, साइंस में भी सिर्फ साइंस लेने से नहीं चलेगा, आपको बायोलॉजी कंपल्सरी लेना पड़ेगा। इफ यू ऑप्ट फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स, यू आर नॉट बीइंग एबल टू बी ए डॉक्टर, तो आपको बायोलॉजी लेना पड़ेगा। उसके बाद आपने 4 साल का एमबीबीएस करना है, उसके बाद आप जाके डॉक्टर बनेंगे। अगर फिर आप फर्दर पढ़ना चाहते हैं तो आप स्पेशलिस्ट के लिए अलग पढ़ेंगे, क्लियर। तो ये बात तो क्लियर हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या है, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री मतलब क्या कि यहाँ पर आपको हर किसी को मौका नहीं मिलेगा, हर किसी को प्रोफेशंस में मौका नहीं मिलता। प्रोफेशंस के लिए से जो बाकी जॉब्स होते हैं ना, कि मान लीजिए सपोज गवर्नमेंट को जॉब का वैकेंसी निकले तो क्या है कि एनी ग्रेजुएट, कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, बट प्रोफेशंस के लिए ऐसा नहीं होता।
प्रोफेशंस के लिए क्या होता है कि आपके पास वो स्पेसिफिक डिग्री है तो ही आप उस प्रोफेशन में एंटर कर सकते हो। अब कोई बीएससी वाला में जो मैंने बोला डॉक्टर नहीं बन सकता, दैट मींस व्हाट कि डॉक्टर बनने के लिए रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, आपने एमबीबीएस किया है तभी आप डॉक्टर बन पाए, हर किसी को अंदर जाने का मौका नहीं मिलेगा, दिस इज रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। द थर्ड पॉइंट इज प्रोफेशनल एसोसिएशन, जितने भी प्रोफेशंस होते हैं उन सबका अपना अपना एसोसिएशन होता है, ठीक है, जितने भी प्रोफेशंस होते हैं उन सबका अपना अपना एसोसिएशन होता है, जैसे कि डॉक्टर्स का एसोसिएशन होता है ना, जैसे कि लॉयर्स का एसोसिएशन होता है, जैसे कि मैनेजमेंट का भी एसोसिएशन होता है, हम लोग के जो मैनेजमेंट का एसोसिएशन है उसका नाम ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन है, ठीक है, तो AIMA हम बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये चीज क्या है, जितने भी प्रोफेशंस रहेंगे उनका अपना एक एसोसिएशन रहेगा जो कि वो चलाएगा, उनसे आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, आप उसके अटैच होंगे, उसके बाद ही आप वो प्रोफेशन में एंट्री कर सकते हैं, उसके बाद ही आप उस प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट इज कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या होता है, ये इसको रूल्स एंड रेगुलेशंस कहते हैं, ठीक है, कोई भी प्रोफेशन को करने के लिए आपके पास कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है और आपको उसको फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो सेम बात यहाँ पे भी क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस, कि हर प्रोफेशन का अपना कोड ऑफ कंडक्ट होता है, मतलब क्या डॉक्टर्स को ये नहीं करना चाहिए, डॉक्टर्स को वो नहीं करना चाहिए, डॉक्टर्स को ऐसा नहीं करना चाहिए, ये चीज जो है वो फिक्स रहता है कि आपने ये काम नहीं करना, आपने वो काम नहीं करना, है ना। जैसे आपने वो मूवी देखा था ना थ्री इडियट्स, उसमें वो ओथ का एक नाम लेता है ना कि जो आमिर खान कटरीना को बोलता है ना, सॉरी करीना कपूर को बोलता है, ठीक है, कि आप वो अपने वो डॉक्टर लेते हैं वो ओथ खाते हैं ना, तो ओथ लेते हैं ना, तो प्लीज आप उस ओथ के लिए आपको चलना पड़ेगा। तो ये ओथ क्या था, दिस इज अ कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है, कि आप किसी पेशेंट को ऐसे नहीं छोड़ सकते या ऐसा नहीं कर सकते एंड ऑल दैट, क्लियर। तो ये बात था कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज सर्विस मोटिव। नाउ सर्विस मोटिव मतलब क्या होता है कि जितने भी प्रोफेशन हैं वो सब के सब क्या होंगे, सर्विस देने के माध्यम से, देयर मेन एम इज टू गिव सर्विस। अभी सर्विस पैसे से लिया जाता है, उसके अगेंस्ट में पैसा देना पड़ेगा, वो अलग बात है, लेकिन उनका मेन एम क्या है, टू प्रोवाइड सर्विस, ठीक है। तो दिस इज द नेक्स्ट फीचर ऑफ प्रोफेशन इज दैट इट इज डन विथ अ मोटिव ऑफ गिविंग सर्विस। आप जितना सर्विस दोगे उतना आपको फीस मिलेगा, आप सर्विस नहीं दोगे आपको फीस नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फीचर्स ऑफ प्रोफेशन। क्या क्या पढ़ा हमने, पहला पढ़ा हमने क्या, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, इसके लिए आपको अलग से कोर्स करना पड़ेगा। सेकेंड पढ़ा हमने रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, मतलब क्या कि यहाँ पे हर किसी को एंट्री नहीं मिलेगी, आपको एंट्री के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफिक कोर्स करना पड़ेगा, स्पेसिफिक डिग्री होना पड़ेगा तभी आके आपको एंट्री मिलेगी। उसके बाद हमने पढ़ा प्रोफेशनल एसोसिएशन, जितने भी प्रोफेशन है सबका अपना अपना एसोसिएशन होता है। नेक्स्ट पढ़ा हमने कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में, कोड ऑफ कंडक्ट क्या, हर प्रोफेशन का अपना रूल्स एंड रेगुलेशन होगा, और लास्ट में क्या पढ़ा, सर्विस मोटिव, जितने भी प्रोफेशन होंगे उन सबका एक मोटिव हो गया, वो लोग सर्विस हो गए, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, उसमें क्या है, हम पढ़ेंगे जॉब के बारे में, व्हाट इज जॉब एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ जॉब, या एम्प्लॉयमेंट, व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ, ठीक है।